Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. केरल के कोझिकोड में शुक्रवार को विमान हादसा हो गया। कोझिकोड के करीपुर हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान रनवे पर फिसला और हादसा हो गया। यह विमान दुबई से कोझिकोड आ रहा था। बताया जा रहा है कि इस विमान में कुल 170 यात्री सवार थे। इस विमान हादसे में पायलट सहित 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे के बाद राहत और बचाव के लिए टीमें पहुंच गई है। फायर ब्रिगेड और 24 एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस हादसे के बाद केरल पुलिस का कहना है कि अब तक 45 घायलों को विमान से निकाला गया है और विभिन्न स्थानीय अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। बाकी लोगों को खोजने का काम जारी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने मामले की विस्तृत जाँच का आदेश दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस से मिली जानकारी के अनुसार दुबई से आ रहे इस विमान में 10 नवजात और 6 क्रू मेंबर समेत 184 यात्री सवार थे। राहत और बचाव कार्य के लिए कोझिकोड के लिए एक NDRF की टीम रवाना किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस फ्लाइट की उड़ान संख्या IX1344 है। यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे से फिसल कर घाटी में जा गिरा। घाटी में गिरने के साथ ही प्लेन के 2 टुकड़े हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में भारी बारिश के कारण रनवे पर जल भराव हो गया था। इसी वजह से प्लेन रनवे से आगे निकल गया और यह हादसा हो गया। विमान हादसा के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस और अग्निशमन बल को निर्देश दिया है कि वह कारीपुर में कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में विमान दुर्घटना के मद्देनजर तत्काल कार्रवाई करें। अधिकारियों को बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.